हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं चिकन करी की एक स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसे हाई ब्लड प्रेशर वाले बिना झिझक मज़े से खा सकते हैं। जिसके लिए हाफ के जी चिकन, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। दो बड़ी साइज़ की प्याज का पेस्ट, दो बड़ा साइज का टमाटर का पेस्ट, 1½ टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल, 2 तेज़ पत्ते, 3 दालचीनी के टुकड़े, 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 पिंच नमक। नमक आप अपने हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं नॉर्मल नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप लो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का यूज़ करें। अगर यह सॉल्ट लोकल मार्केट में नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। 5 हरी मिर्च, जिसके बीच में मैंने कट लगा दिया है, थोड़ी सी हरी धनिया। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पैन गरम हो गया है, अब इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें दालचीनी डाल देना है, बड़ी इलायची, इसे मैंने बीच से खोल दिया है, छोटी इलायची, इसे भी मैंने बीच से खोल दिया है, लौंग, अभी मैंने फ्लेम को लो रखा है, तेज पत्ता। 30 सेकेंड्स के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना है। प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देना है। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भूना है। अब इसमें जीरा पाउडर डालना है, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिक्स कर देना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मसालों को मीडियम फ्लेम पर भूनना है। सभी मसालों को डालने के बाद मैंने इसे 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूना है। अब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें चिकन डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने चिकन को मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने चिकन को 4 मिनट तक मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है।
अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर चिकन को गला लेना है। 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को मीडियम फ्लेम पर गलाते हुए। मैंने इसे बीच में एक बार चलाया था। अब चिकन अच्छे से गल चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसमें हरी धनिया डाल देना है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए चिकन करी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप मेरी यह रेसिपी फॉलो करके चिकन बनाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।